नमस्कार दोस्तों, एसआर ऑटोस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी जो है ब्लापंक का डेटोना बीच 450। इसमें कुछ ऐसा जनरल फीचर्स यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे 6.2 का इसका टच डिस्प्ले है, ब्लूटूथ है, नेविगेशन है, फ़ोन लिंक है, मिरर लिंक जिसको हम बोलते हैं, और USB वगैरह के बारे में दिया हुआ है। और ये काफ़ी एक अच्छा प्लेयर है। और मैं बता दूँ आपको कि पहले मेरी गाड़ी में ये लगा हुआ था, जो कि कंपनी फिटेड हुंडई का प्लेयर है, जो बहुत ही एक सिंपल प्लेयर है, जिसमें FM CD का है, ऑक्स का है और सेटअप वगैरह है। बहुत सिंपल और एक अच्छा प्लेयर था ये, मगर आज के हिसाब से मुझे ये वाला प्लेयर ज़्यादा बेटर लगता है मेरा, क्योंकि इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके फीचर्स जानने के लिए हम चलिए चलते हैं कार की तरफ। ये काफ़ी एक मतलब बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल प्लेयर मुझे लगा गाड़ी के हिसाब से, जिसमें लगभग सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं रेडियो, एक USB का ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे मिला है, नीचे है ऑक्स केबल का ऑप्शन, दो मेमोरी कार्ड के स्लॉट हैं, जिसमें से जो स्लॉट 1 रहेगा उसमें आपको जो इसका नेविगेशन है उसका स्लॉट मिलेगा, दूसरे वाले में आप अपना चाहें तो कोई भी मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यह है इसकी वॉल्यूम की बटन कम ज़्यादा करने के लिए, ब्लूटूथ है, ये जो एक्स्ट्रा अपन मेमोरी कार्ड लगाते हैं उसका है, एक ऑक्स का ऑप्शन ये है। इसकी ख़ास बात मुझे ये लगी कि इसमें जो इक्वलाइज़र दिया है वो एकदम मतलब बहुत अच्छा एक इक्वलाइज़र है, जिसमें लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप आसानी से इसमें कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपका उतना ज़्यादा नहीं है तो इसमें एक ईजी इक्वलाइज़र भी दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ खास चीज़ें जैसे इसमें बेस, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और बाकी ये दो हैं ये सिंपल आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये जो है ये आपका स्पीकर को एडजस्ट करने के लिए दिया है कि आपको किस तरफ का स्पीकर ऑन रखना है या कौन सा बंद रखना है, चालू करना है, या आपको सिर्फ आगे के चलाना है या सिर्फ पीछे के चलाना है, कोई भी एक। तो इसका इक्वलाइज़र एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा इसमें USB ऑप्शन, एक तो आप चाहें तो आप उसको अपने ग्लव बॉक्स में भी एक USB निकाल के रख सकते हैं। ये हो गई हमारे प्लेयर की सेटिंग, ये ऑक्स का, ये हो गया कैमरे का, और ये हो गया स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल का। अगर आपकी गाड़ी में स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स हैं तो आप उनको भी इससे ऑपरेट कर सकते हैं। और ये ब्लैकआउट हो गया, तो ब्लैकआउट में स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी ऐसे। अब है, मैं दिखाता हूँ आपको इसकी सेटिंग। सेटिंग में आप जैसे इसका रीजन, ये ब्लैकआउट का टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं, FM के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये मोड है इसके, जैसे नाइट का देखना है आपको, डार्क में देखना है, नॉर्मल देखना है कि ब्राइट देखना है। तो मेरा अभी दिन में है तो इसलिए मैंने इसको ब्राइट पे सेट करके रखा हूँ। इसमें एक ये भी है ऑफ़ टाइमर की, अगर आपका प्लेयर काफ़ी देर तक चालू है और आपका यूज़ नहीं है तो अपने आप ऑफ हो जाता है। इसमें दिया है बीप, आप चाहें तो बीप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे आप टच करते तो उसमें बीप का साउंड आता है। TFT कैलिब्रेशन, स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल, और सॉफ्टवेयर वर्जन दिया हुआ है उसमें, जो भी उसका सॉफ्टवेयर वर्जन होगा वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और ये फैक्ट्री सेटिंग है, अगर आप उसको रीसेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें दिए हैं वीडियोस के ऑप्शन, एक तो आप इसका एस्पेक्ट देख सकते हैं कि किस एस्पेक्ट में आपको देखना है। साउंड का दिया हुआ है सब वूफर, इसमें मेरा सब वूफर इसी से कनेक्टेड है, जो मेरी गाड़ी में बेस ट्यूब लगी हुई है उसको मैं यहीं से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसमें फ़िल्टर भी दिए हैं, 3 फ़िल्टर है इसमें, 80, 120 और 160 हर्ट्ज के। इसके बाद है अपनी क्लॉक, डेट, टाइम, जो भी एडजस्ट करने का है। फिर दिया हुआ है लैंग्वेज, जो कि इसमें इंग्लिश सेट है अभी। इसमें ब्लूटूथ का है, ब्लूटूथ में ब्लूटूथ ऑन है अभी, जैसे कि गाड़ी का आप यहाँ मार्क देख सकते हैं। ऑटो कनेक्ट का फीचर ये है कि जैसे ही मेरे मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रहता है और मैं गाड़ी में एंटर करता हूँ तो वो ब्लूटूथ मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ऑटो आंसर मैंने बंद करके रखा हूँ क्योंकि वो मेरे कोई खास काम का नहीं है। ये पेयरिंग कोड है जो कि ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए लगता है। और एक ये है माइक्रोफोन का, तो एक इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल का ऑप्शन आता है। जो इंटरनल माइक्रोफोन है वो प्लेयर का रहता है, और एक्सटर्नल जो अपन अलग से लगाते हैं माइक, जो ब्लूटूथ की कॉलिंग के लिए काम आता है, जो कि मेरी गाड़ी में ऊपर लगा हुआ है। मैं आपको इसमें मैंने माइक अलग से यहाँ पर लगवा के रखा हूँ। इसका सेटअप ये इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये मेरे पास में है और मुझे इसमें बोलने में भी आसानी होती है, क्योंकि और क्लियरिटी भी ज़्यादा बेटर मिल जाती है क्योंकि मेरे बिल्कुल पास में लगा हुआ है, तो मैं आसानी से इससे बोल सकता हूँ। और इसका वैसे साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सामने जो भी हमसे बात करता रहता है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है सुनने में। और तीसरा है इसका वॉल्यूम का,
इसमें यूएसबी जितना भी मतलब अपने इसमें दिए हुए ऑप्शन, जैसे अलग से यूएसबी का है, एक मेमोरी कार्ड का है, रेडियो का है, ब्लूटूथ का है, ऑक्स का है, नेविगेशन का जो यूएसबी सेकंड स्लॉट दिया है उसमें, और अपना ऑक्स का सेकंड स्लॉट दिया हुआ है, उन सब के वॉल्यूम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ज़्यादातर इसमें ब्लूटूथ का यूज़ पड़ता है, तो मैंने इसमें ब्लूटूथ की वॉल्यूम को 6 पे मैक्स रखा है, क्योंकि मेरा मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें सेट है, तो वहाँ मैं अपने प्लेयर से उसको एडजस्ट कर लेता हूँ अगर मुझे कम ज़्यादा करना रहता है तो। बाकी इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों में मुझे काम नहीं पड़ता, इसलिए मैंने उनका वॉल्यूम ऐसा खास कुछ सेट भी नहीं करके रखा है। सार जो जो मेरे काम का जैसे यूएसबी हो गया और ब्लूटूथ हो गया, तो उनको मैंने 6 पे रख दिया सबसे हाई वॉल्यूम पे, और बाकी मेरे सारे आपके देख सकते हैं 0 है, और एक नेविगेशन का 4 है क्योंकि नेविगेशन में भी मैं कभी कभी इनको यूज़ करता हूँ। इसमें मुझे नेविगेशन का एक फीचर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैप माई इंडिया का ये नेविगेशन है और ये आपको एक गाइड दे रहा है कि प्लीज़ ड्राइव सेफ, वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा सेफ ड्राइव ही करना चाहिए। इस ये जो नेविगेशन है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नेविगेशन है, मतलब मैंने इसको बहुत इसके सिर्फ इस नेविगेशन के भरोसे मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है। जैसे कि अभी मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ और हाईवे के पास एक रोड है, वहाँ पर मैं अभी हूँ, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली बता रहा है कि गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी किलोमीटर मतलब कितने स्पीड से गाड़ी चल रही है, जो गाड़ी की स्पीड बताता है, और यहाँ से बता सकते हैं अपन इसमें डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे होम का डायरेक्ट मेरे घर का जो एड्रेस सेट है उस पर ले जाएगा, ये पार्किंग का बताएगा, ये पेट्रोल स्टेशन का बता रहा है। अब इसमें जो सेटिंग है, जैसे हमें पहला है नेविगेट टू, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, मतलब किस जगह जाना है, वहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ये रूट का बताता है, इसमें लगभग इंडिया के सारे रूट डले हुए हैं जो जो बन चुके हैं। ये ट्रैवल बुक है, ट्रैवल बुक एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि इसमें आपकी गाड़ी कितनी चली है, कहाँ गई है, कितनी देर चालू रही है, मतलब इवन हर एक एक छोटी इन्फॉर्मेशन बताता है ये कि कहाँ कहाँ कितनी देर आपने ट्रैवल किया है। ये पूरा एक मंथ की हिस्ट्री रखता है। जैसे कि आप अगर अपनी गाड़ी किसी को देते हैं तो आप इससे ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी आपकी कितनी चली है और कितनी नहीं चली है। ये SOS हो गया जो आप हेल्प के लिए रहते हैं। ये सिटी गाइड्स के बारे में रहता है कि किस सिटी में, जैसे आप मान लीजिए किसी बड़ी सिटी में जाते हैं, जैसे इंदौर गए हैं आप, तो इंदौर में जो भी सिटी में खास खास चीज़ें रहती जैसे कैफ़े, पार्किंग वगैरह, उसके बारे में यहाँ आपको सब पता चल जाता है। अब है इसकी सेटिंग। सेटिंग में जैसे मैप्स वगैरह हैं, तो इसमें लगभग सारे मैप्स दिए हुए हैं। इसका मैप के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये इसकी थीम दी हुई है, आपको डे पे चलाना है, नाइट पे ये पूरा ऐसा डार्क हो जाता है जैसे कि आपको ये दिख रहा है। ऑटोमेटिक पे सेट है मेरा, मुझे वाइट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो उसी पे मैंने सेट करके रखा हुआ हूँ उसको। अब जैसे फिर इसका है मैप डिटेल्स, तो मैप डिटेल्स में आप ये देख सकते हैं कि जैसे इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या क्या बताता है कि ये आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, होटल और मोटल वगैरह। सिटी गाइड्स के बारे में बता रहा है, सिटी गाइड्स इसका मैप माई इंडिया जो कि विकिपीडिया दोनों से इनका मिला हुआ बन के है ये। फिर ये है आपका खाने पीने का, जैसे आप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो भी वाइन शॉप, आसपास रेस्टोरेंट, पब, कैफ़े, उसके बारे में बताया गया। फिर है इमरजेंसी में आपका हॉस्पिटल, क्लिनिक, पुलिस स्टेशन, फर्स्ट एड, फार्मेसी वगैरह के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो। इंटरटेनमेंट में थिएटर्स, कल्चर वगैरह, कसिनो, सिनेमा, इन सब के बारे में दिया हुआ है। पार्किंग, पेट्रोल स्टेशन, सर्विस, एजुकेशन, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, बहुत सारा मतलब आप इसमें देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, व्हीकल सर्विसेज, ये सब इतना फीचर्स दिए हुए हैं उसमें कि मतलब मैं आज तक मैंने इसको इतना चलाया भी नहीं हूँ प्लेयर को। फिर है ये बिल्डिंग्स का जो दिया हुआ है इसमें, जैसे कि ये रहता है कि अगर आप जैसे किसी एरिया में जा रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग को आपको 3D व्यू में देखना है कि सिर्फ उसको फुट व्यू में देखना है, कि आपको इसको ऑफ रखना है, वो आपके ऊपर है। फिर लैंडमार्क्स वगैरह है, फिर साइन पोस्ट है। अब आप इसमें ये भी है कि आप मैप को 2D में देखना चाहते हैं कि 3D में, तो मेरा 3D पे सेट है, थोड़ा अच्छा लगता है मैप जब अपन देखते हैं तो। फिर है इसका लेन गाइडलाइन, इसमें आप लेन को किस उसमें देखना चाहते हैं, मतलब जिस पे आप चलते हैं, वो डायनामिक, सिंप्लीफाइड या बंद रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर है सेलुलर डाटा, फिर है POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ऑन रूट, तो आपको इसमें ये दिखाता है कि अगर आप इसको डायनामिक पे सेट करते तो वो मतलब सबको बताता है आपको कि आपके रूट पे जो भी पड़ रहा है, या आप सिलेक्ट कैटेगरी देख सकते हैं कि सिलेक्ट कैटेगरी में ये रहेगा कि आपको खास खास
जो चीज़ आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है आपका, जैसे आपको सिर्फ फ्यूल स्टेशन देखना है या होटल वगैरह का सेट करना है तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। फिर ये है नेविगेशन का रहेगा, इसमें ऑटो जूम, अगर कोई चीज़ को आप देखना चाहते हैं जूम करके कि मैं कहाँ चल रहा हूँ कैसा चल रहा हूँ, तो वो उसके बारे में ये जूम करके भी आप उसको देख सकते हैं। करंट स्ट्रीट उसका एड्रेस बता देगा ये, और ये फॉन्ट साइज़ है, तो मेरा मीडियम पे है तो मुझे इतना लार्ज में ज़रूरत नहीं पड़ती तो मीडियम पे ही सेट रखा है वो। फिर है इसमें साउंड और नोटिफिकेशन कि आप अपना साउंड इनेबल रखना चाहते हैं। वॉइस इंस्ट्रक्शन भी देता है ये कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो अगर आपको लेफ़्ट टर्न लेना है तो वो आपके कार के स्पीकर से साउंड आएगा कि टर्न लेफ़्ट और टर्न राइट। फिर वॉल्यूम सेटिंग में आपको किसका साउंड कितना रखना है ये सब आप देख सकते हैं। स्पीड का साउंड है ये, इसमें वॉल्यूम एट 100 किलोमीटर जैसे ये है तो इसमें ये बताएगा आपको, जैसे ही आपकी गाड़ी 100 के ऊपर जाएगी तो ये बीप करके आपको बताएगा कि आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही है 100 से। तो मेरे इसमें वो 100 पे सेट करके रखा हूँ मैंने। ये आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर से लेके 150 तक की इसकी लिमिट है। तो मैंने इस पर 100 पे रखा हूँ तो मुझे ये 100 के बाद बता देता है कि ये अपने को कि आपकी गाड़ी 100 के ऊपर जा रही है। फिर ये है स्पीड कैमरा। अब जैसे आपके हाईवे पे स्पीड कैमराज वगैरह लगे रहते हैं तो ये उनका भी नोटिफिकेशन देता है। कहीं हाईवे पे जैसे आपने देखा होगा स्पीड लिमिट सेट रहती है कि आप 100 के ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो वो स्पीड लिमिट का भी आपको नोटिफिकेशन देता है। रेलवे क्रॉसिंग आ रही है उसका नोटिफिकेशन देगा। फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इसमें है रूट प्लानिंग का। रूट प्लानिंग में टोल आपको देखना है रास्ते में, नहीं देखना है। फिर ये उसका हार्डवेयर वगैरह का है। रिलीजन, बैटरी मैनेजमेंट, तो बैटरी मैनेजमेंट क्या है वो तो मतलब प्लेयर गाड़ी से अटैच है तो डायरेक्ट उसी के साथ रहेगा। और फिर ये इंफॉर्मेशन बार में ये है कि आप कितनी गाड़ी आपकी चली है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा है, स्पीड कितनी है, रिमेनिंग टाइम कितना है, और लैंडस्केप के बारे में बता रहा है वो कि एलिवेशन चाहिए आपको। और फिर ये वही है टाइम अराइवल, स्पीड, टाइम रिमेनिंग। फिर ये आपका ट्रैवल बुक है कि आपने आज तक कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है उसके बारे में पूरा बता देगा। फिर ऐसे बहुत सारे कि ये फेवरेट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें ये वही है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, ये है या आप कहाँ कहाँ गए हैं, इसमें नेविगेशन के बारे में दिया हुआ और ये रीसेट करने का ऑप्शन है। तो सेटिंग आप इसकी देखें तो इतनी ज़्यादा है इसकी सेटिंग कि मैंने आज तक मतलब कभी पूरा चला के भी नहीं देखा प्लेयर को मैंने, कि इसमें इतना ज़्यादा मैं भूल भी जाता हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है। बस अब इसमें लास्ट ये है कि एग्ज़िट, तो प्लेयर को आप एग्ज़िट करना कभी मत भूलना, क्योंकि जैसे ही आपकी गाड़ी किसी वायर वगैरह के नीचे से जाती तो वो ऐसी बीप करके आवाज़ देता है, तो उसको एग्ज़िट ज़रूर कीजिए, तो वो सेव कर देता है आपका जो भी ट्रैवल वगैरह का रूट वगैरह सेटिंग रहती है वो सब सेव कर देता है। अब इसका ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ में ये है कि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की पूरी स्क्रीन दिख जाएगी। यहाँ से आप चाहें तो फ़ोन को अपना डिस्कनेक्ट करके नया दूसरा फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एट अ टाइम मैंने इसको 6 फ़ोन मतलब लिस्ट में आप रख सकते हैं, 6 से भी ज़्यादा रख सकते हैं शायद, जिससे आपको उसको कनेक्ट करना है आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी लिस्ट में है। और ये हो गया म्यूज़िक का, जो भी आपका म्यूज़िक यहाँ चल रहा होगा आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ये इक्वलाइज़र का दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट। ये जो एंड्रॉयड का साइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो इसका खुद का ऐप है आप उससे भी म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। और ये वॉइस कमांड का भी एक फ़ीचर है, ये फ़ीचर भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप इसमें इसको आप क्लिक करके एक वो बीप का साउंड आता है, उसके बाद आप बोल दीजिए कुछ भी जो भी आपको बोलना है या किसी बारे में सर्च करना है। या फिर इसमें आप सबसे अच्छा तो ये है कि आप इसको कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कॉल ये वो जिसको भी, जैसे मुझे मेरा फ्रेंड है जैसे रोहित, उसको मुझे अगर फ़ोन करना है तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके कॉल रोहित बोल दूँगा तो वो रोहित को डायरेक्ट फ़ोन भी लगा देगा। यहाँ पे आपको फ़ोन बुक दिया हुआ है इसके बारे में, यहाँ फ़ोन आपका पूरे जो भी कॉन्टैक्ट होंगे आपके मोबाइल में वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी मेरी फ़ोन बुक इससे सिंक नहीं है। यहाँ पे आपके कॉल लॉग्स आ जाएंगे। ये है इसकी सेटिंग, इसमें ब्लूटूथ ऑन ऑफ, ऑटो कनेक्ट, माइक्रोफोन, पेयरिंग कोड, ये सब मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ उसमें। और इसमें एक डायरेक्ट यहाँ पे नेविगेशन की बटन भी है, और यहाँ से होम बटन पे आपका यहाँ से डायरेक्ट आप होम बटन भी रीच कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस का दिया है और एक ही सेटिंग के लिए भी दिए कि डायरेक्ट आपको सेटिंग पे जाना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो प्लेयर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मुझे ये प्लेयर पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 20,000 का विथ कम्प्लीट फिटिंग वगैरह के साथ। उसमें एक ये फ्रेम भी इंक्लूडेड थी इसकी,
सकता है आप कहीं बड़ी जगह से हो तो और आपको प्लेयर दूसरा मतलब कम रेट में भी मिल जाए। मेरे इसमें एक साल से लगा हुआ तो हो सकता है अब इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो गई हो। इसका एक और ऊपर का मॉडल आता है, उसमें यहाँ पे सीडी का भी ऑप्शन आता है, सीडी डीवीडी का, और यहाँ पे उसका इजेक्ट करने के लिए बटन रहती है। तो बस प्लेयर के लिए, तो प्लेयर में तो इतना ही है, टच उसका उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं लगा। जैसे अभी ये मेरा यूएसबी पे क्लिक हो गया, तो बस एक इसमें टच का एक दूसरा ये प्रॉब्लम है। प्लेयर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैंने बहुत देख के ही लिया, बस एक वो टच का प्रॉब्लम ही मुझे थोड़ा सा लगता है उसका, बाकी अब मेरी एक साल में आदत हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी ऑटोमोबाइल लवर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद से बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।